Hi everyone, Namkeen Sach team here. This is me, Mehek. Salima. और आज हम आपको एक सॉन्ग का रिएक्शन देंगे जिसका नाम है तितलियां और ये सॉन्ग जो है वो अफसाना खान का है. सो क्या लगता है इस तरीके का सॉन्ग नजर आ रहा है? वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा. वैसे आई थिंक अफसाना खान का हम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं. बहुत फर्स्ट टाइम. हाँ तो अभी देखेंगे तो देखते हैं इसमें क्या हमारे लिए कुछ न्यू लेके आया है. नाम भी ना थोड़ा सा बहुत स्पेसिफिक जैसे रखा हुआ ना तितलियां. सो लेट्स सी द वीडियो. वैसे भी किसकी फेवरेट नहीं होती है तितलियां यार, स्पेशली गर्ल्स. अब देखते हैं इसमें कौन सी तितली है. जो मर्जी पूरी कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी. जो मर्जी पूरी कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी. एक गल तू पल्ले बन जाने ये पल्ले बन मेरी. वो होर होणगे जिन्हां नूं तू पैरां विच रखदा. मैं प्यार हाँ तेरा वाइफ नहीं तेरी. वाइफ नहीं तेरी. छोड़ के जाएंगे.
माई गॉड बहुत सैड थी वैसे ये सॉन्ग, मगर मुझे अच्छी लगी ये जिस तरीके का इन लोगों ने वीडियो बनाया था एंड अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। इसमें ना बेसिकली ये शायद कॉन्सेप्ट दिया हुआ था कि जो इसकी वाइफ थी ना वो बहुत ज़्यादा लॉयल थी इसके हस्बैंड के साथ में, बट हुआ ये कि शायद इसके हस्बैंड जो थे वो किसी और में इंटरेस्ट था शायद, इस तरह किसी और में नहीं था वो तितलियां का नाम ही इसका मतलब ये रखा कि वो दूसरी तितलियों में ज्यादा उछल रहा शायद यही होगा। और जब इसकी वाइफ को पता चला कि वो डिसऑनेस्ट है बहुत ज्यादा तो फिर उसने फाइनली जो है वो उसे सेपरेट होने का किया, और ये सारा शायद कॉन्सेप्ट था। जो कब्र खोदी थी ना तो एक पल के मुझे लगा या तो खुद खोदेगी या उसको खुदाएगी अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद कोई कपड़े वपड़े इसमें उसको दबना रही थी, वो शायद शादी वादी के जोड़े उसने डाली होगी ना याद मिटाने के लिए। और मुझे ना इतना वो है ना उसको क्या था वो छुरा वुरा लिया वो बोल रही थी ना, तो मुझे वो सीन देखा ही नहीं जाता, तो मैंने इसकी तरह मुंह कर लिया पूरा। खैर ये पहले तो मुझे भी लगा था कि वो सच में उसको ना मार ही देगी। अच्छा तो ना वीडियो का जो शुरू में कॉन्सेप्ट दिया था पूरा वो बहुत मतलब जो लाइन दी थी कॉन्सेप्ट नहीं बोलेंगे हाँ, वो अच्छी लाइन थी कि मैं ना मेन पॉइंट हिंट दे दी थी एक पूरी, वो बहुत अच्छी थी और बहुत ज्यादा मीनिंगफुल थी हाँ, कि अगर आप किसी के साथ में रिलेशन में हो या कुछ हो तो दैट पर्सन विल बी मोर इम्पोर्टेंट टू यू किसी और से ज्यादा, ठीक है। तो उस तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ था जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था और बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन थी, इसलिए वो स्टार्टिंग में इन लोगों ने लिया और अब पता चल रहा है उसका मतलब ये था हाँ। तो ये था तितलियों का सॉन्ग का रिएक्शन हमारा, सो वी होप कि आपको ये रिएक्शन पसंद आया होगा, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और कोई भी रिक्वेस्ट हो तो उससे भी कमेंट में डाल दीजिएगा, हम इसे रीड कर लेंगे। फिर इसके साथ साथ एक और बात आपको बतानी थी कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास में, थोड़ा सा लेट इसीलिए हो जाता है क्योंकि बहुत बहुत जैसे 100 to 200 रिक्वेस्ट होती है पर डे की जो हम एक साथ कंप्लीट नहीं कर पाते, तो जैसे आज मैं और सलीमा आए हैं बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर सिर्फ आप लोगों के लिए, तो उम्मीद करती हूँ कि इस आज की जो भी वीडियोज होंगी खास करके उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आने चाहिए और शेयर भी होना चाहिए। सो इसी के साथ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।